हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लॉसिप्स। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे पिछले एपिसोड को इतना पसंद किया और उस पर इतना प्यार दिया। और अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है मेकअप फॉर नूब्स का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। पहले चलते हैं थोड़ा सा रीकैप की तरफ। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि एक बिगिनर्स मेकअप किट के अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वही चीज़ें जिनकी आपको असल में ज़रूरत पड़ती हैं। अब मेकअप किट तो तैयार कर ली, लेकिन इन सबको अप्लाई किन चीज़ों से करेंगे? एग्जैक्टली, अब आते हैं आज के एपिसोड की तरफ। सो वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ मेकअप फॉर नूब्स। तो आज के एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से मेकअप ब्रशेज होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है अपने मेकअप किट के अंदर। तो मेरे जो कुछ बेसिक ब्रशेज हैं वो इस छोटे से पाउच के अंदर डले हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो इससे भी आधे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो तो अब जाके मेरे पास बहुत सारे ब्रशेज आ गए हैं कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, उनसे और सीख सकती हूँ, और हर मेकअप ट्रिक के लिए मेरे पास एक नया ब्रश है जिसको मैं यूज़ करके कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। बट एक पॉइंट पे तो मैं भी एक नूब थी ना, मैं भी एक बिगिनर थी, और मेरे पास भी कुछ गिनती के 4-5 ब्रशेज होते थे जिनसे मैं सारा काम चलाती थी। तो आज मैं आपको उन ब्रशेज के बारे में बताऊँगी। अगर मेकअप करने के स्टैंडर्ड तरीके को फॉलो करें तो सबसे पहले हम अपनी आई मेकअप को लगाते हैं और उसके बाद अपने कम्प्लेक्शन प्रोडक्ट्स को, ताकि अगर कोई गंद इधर उधर मचा हुआ हम उसको आराम से बस स्वाइप अवे कर सकते हैं फाउंडेशन से, कंसीलर से या किसी भी ब्रश से। तो इसीलिए सबसे पहले मैं बताना शुरू करूंगी आपको आई ब्रशेस से। तो सबसे पहले चलते हैं आई मेकअप ब्रशेस की तरफ। तो सबसे पहले आता है हमारा आईब्राउ ब्रश, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्चुअल में एक एंगल में होता है, इससे बहुत आसान हो जाता है अपनी आईब्राउ को फिल करना। मेरा मेकअप तो हमेशा आईब्राउज से शुरू होता है, और अगर मैं किसी दिन मेकअप नहीं भी कर रही होंगी तो मैं अपने आईब्राउज फिल करके थोड़ा सा मस्कारा लगा के, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा के, कितनी सारी और चीज़ों में बोलूँगी थोड़ी सी, बट हाँ ये 3 चीज़ें करके आई एम डन। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं करना पड़ता। तो इस तरह के ब्रशेज आर रियली गुड फॉर दैट। दूसरी चीज़ जिसके लिए ये बहुत काम आते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि आई विल टेल यू ऑल द जुगाड्स फॉर एवरीथिंग, तो फिर मैं बता रही हूँ, जो इस किस्म के एंगल ब्रशेज होते हैं वो एक्चुअल में आपके आईलाइनर ब्रश के तौर पे भी सर्व करते हैं। यस, जो वो पतले वाले आईलाइनर ब्रशेज होते हैं वो मैं खुद भी इतने रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि जब तक आप अपनी आईलाइनर गेम पे बहुत ज़्यादा ही प्रो नहीं हो तब तक आप उससे एक बहुत खूबसूरत सा मज़े का विंग नहीं बना सकते। लेकिन जो ये वाला ब्रश होता है एंगल ब्रश, इससे आप बहुत आराम से इतना कोई नेक्स्ट लेवल यू नो वाला विंग बना सकते हैं कि बस, मैंने अभी भी इसी से बनाया बाय द वे। अब आईब्रो ब्रश के बाद आते हैं अपने स्पूली ब्रश की तरफ। ये स्पूली ब्रश एक्चुअल में एक इम्पॉर्टेंट ब्रश है, क्योंकि अगर आप अपने आईब्रोज बनाते हैं ठीक से तो फिर उसको ब्रश अवे भी करना पड़ता है। तो उसको ब्रश अवे करने के लिए ये ब्रश बहुत ज़रूरी होता है। ओके, डिस्क्लेमर, ग्लॉसिप्स फेवरेट ब्रशेस कौन से हैं ये देखने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर मैं आज आपको ब्रांड रिकमेंडेशन भी दूंगी। मेकअप ब्रशेज में मेन चीज़ होती है उनका टाइप और उनका इस्तेमाल समझना, ठीक है? अच्छा, सो आई शैडो ब्रशेज में जो दूसरे मेकअप ब्रशेज जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो है इस तरह के फ्लफ़ी ब्रशेज। अब इन तीनों की फंक्शनैलिटी तो एक ही है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो है ये एक रैंडम ब्रांड से लिया हुआ है, यानी कि एक रैंडम इंस्टाग्राम पेज ने मुझे भेजा, इसका कोई ब्रांड नहीं है। ये वाला ब्यूटीफाई बाय आमना की तरफ से है और ये वाला मॉर्फी की तरफ से। इन तीनों का इस्तेमाल वही है, लेकिन आपको अपने बजट पर रहते हुए जौन सा ब्रश लेना है आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो जो फ्लफ़ी ब्रशेज होते हैं वो एक्चुअल में काम आते हैं इस वाले एरिया पे आई शेडो लगाने के लिए, यानी कि हम जब भी आई शेडो लगाते हैं हम हमेशा अपनी क्रीज को फ्लफ आउट करते हैं, और वो होता है इस ब्रश से। तो ये वाला फ्लफ़ी ब्रश हम अपनी आईज़ के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन इसका एक और पर्पज़ भी है, यानी कि जो लोग अपनी नोज़ कॉन्टोर करते हैं तो ऐसे ब्रशेज से आप अपनी नोज़ कॉन्टोरिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सॉफ्ट और लाइट से ब्रिसल्स होते हैं, तो आप उससे ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं जाते अपनी कॉन्टोरिंग से, और इसी एरिया पे रह के अपनी नोज़ कॉन्टोर कर सकते हैं। तो इसके मैंने 2 पर्पसेस बता दिए कि एक ऐसा ब्रश होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपके 2 चीज़ों को टारगेट करता है। अब आते हैं एक और आई मेकअप ब्रश की तरफ, जो कि एक फ्लैट ब्रश होता है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि हम एक ब्रश को बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हम लोग क्रीज को ब्लो आउट कर देते हैं उसके बाद हमारे आई शेडो को लगाने के लिए जो ब्रश चाहिए होता है वो होता है ऐसा एक फ्लैट ब्रश। अब इसी फ्लैट ब्रश से हम अपनी अंडर आई को भी स्मच करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो ब्लोड आउट
अंडर आई लुक बहुत पसंद आती है, इसी से हम अपना आई लाइनर भी स्मच कर सकते हैं और इसी से हम अपनी इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर सकते हैं। अब सिर्फ इस इतनी सी चीज़ से आपके लिए मेकअप इतना सिंपल हो गया होगा कि आपका आई शेडो सिर्फ इन दो ब्रशेज से कम्प्लीट हो जाता है। तो बेसिकली मेरे मेकअप किट के अंदर सिर्फ ये दो ब्रशेज होने ही होने चाहिए और उससे मैं कोई भी आई लुक क्रिएट कर सकती हूँ, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन डू इट टू। ये हो गए हमारे चार आई शेडो ब्रशेज, जिनके अंदर एक आई लाइनर प्लस आईब्रो ब्रश हो गया, उसके अलावा हमारा एक स्पूली ब्रश हो गया, एक हमारा नोज कॉन्टूअर प्लस हमारा क्रीज ब्रश, क्रीज ब्लेंडिंग ब्रश हो गया, और हमारा एक फ्लैट ब्रश हो गया जो कि हमारा आई शेडो ब्रश, अंडर आई ब्रश, इनर कॉर्नर हाईलाइट ब्रश, हर चीज़ का ब्रश ये हो गया। सो फोर ब्रशेज ऑल वी नीड फॉर द आईज। अभी मेकअप एप्लीकेशन का मैं सबसे ज़रूरी प्रोडक्ट निकालने वाली हूँ इसके अंदर से। तो आपके मेकअप ब्रशेस के किट में ही हमेशा एक ब्यूटी ब्लेंडर भी पाया जाएगा, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई कैन नॉट टेल यू गाइज इनफ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड। अगर आपको बहुत नेक्स्ट लेवल हाई कवरेज फाउंडेशन चाहिए, तब आपको शायद एक ब्रश यूज़ करना पड़े और ब्यूटी ब्लेंडर आपको उतना ज़्यादा सर्व ना करे। लेकिन एक अच्छी खासी कवरेज, यानी कि अच्छी खासी कवरेज एक ब्यूटी ब्लेंडर देता है, और वो भी एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल फिनिश्ड लुक के साथ, यानी कि बहुत सीमलेस, स्मूथ, ऐसा नहीं लगता कि आपने ऊपर से कोई केक किया हुआ है सारा मेकअप, क्योंकि वो सारा ब्लेंड आउट हो जाता है। तो वो काम करता है आपका मेकअप स्पंज या ब्यूटी ब्लेंडर। तो अगर मुझसे कोई बोले कि मेकअप स्पंज वर्सेस ब्रशेस तो तुम क्या चूज़ करोगी, तो आई वुड ऑलवेज टेल देम कि मैं एक स्पंज चूज़ करूँगी। एक तो ये इतनी छोटी सी एक चीज़ है, छोटा सा प्रोडक्ट, बहुत आसानी से कैरी हो जाता है, ज़्यादा जगह भी नहीं लेता आपके किट के अंदर, और इसके बहुत सारे पर्पसेज हैं। क्योंकि ये है तो मुझे एक एक्स्ट्रा फाउंडेशन ब्रश रखने की ज़रूरत नहीं है, एक एक्स्ट्रा कंसीलर ब्रश रखने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत दफ़ा मैं एक यहाँ पे क्लीन करने के लिए भी एक एक्स्ट्रा ब्रश रखती हूँ, वो भी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है। तो वुड आई चूज़ दिस और दोज? आई वुड डेफिनेटली चूज़ दिस। अब आता है हमारा ब्रॉन्जर ब्रश। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ब्रॉन्जिंग ब्रश है वो एक एंगल्ड ब्रश है, लेकिन काफ़ी बड़ा वाला। जब आप इसको ब्रॉन्जिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो मेकअप हो रहा है वो एक लाइन में हो रहा है, ये नहीं हो रहा कि वो पूरी जगह पे स्प्रेड आउट हो रहा है। और जब आप अपनी जॉ लाइन को भी कॉन्टूअर कर रही होती हैं, तब आपको एक इस तरह का शेप मिल रहा होता है जो आपके क्रेविसेस को फॉलो करता है। फेशियल क्रेविसेस, एम आई राइट अबाउट दिस? यस। तो आपके फेशियल क्रेविसेस को फॉलो कर रहा होता है, तो आपको कोई मसला नहीं हो रहा होता अपनी कॉन्टोरिंग करने में। अब इसके शेप को देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब इससे कोई मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई करते होंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे अप्लाई होता होगा, यानी कि इस तरह से अप्लाई होता होगा, और इसका सारा कुछ इधर उधर नहीं चला जाता होगा जिस तरह के हमें ब्लश ऑन में चाहिए होता है। अब एक ब्लश ऑन ब्रश अगर इसके साइड बाई साइड रखूँ, तो यू कैन मेक सेंस कि अगर मैं इससे मेकअप करूँगी तो डेफिनेटली वो इधर भी आएगा और बाद में मुझे वो सारा क्लीन अप करना होगा। लेकिन अगर मैं एक डेंस एंगल ब्रश से करूँगी तो वो उधर ही रहेगा जहाँ पे मुझे बेसिकली वो चाहिए है। अब ब्लश ऑन तो हम सबका फेवरेट है, हम कोई और मेकअप करें ना करें हमें ब्लश ऑन ज़रूर चाहिए होता है, बिकॉज वी लव दोज पिंकी चीक्स। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि ब्लश ऑन ब्रश तो हमारे पास होना ही चाहिए, ताकि हम आराम से यू नो अपना ब्लश ऑन लगा सकें और हम अपना सारा मेकअप रूटीन इंजॉय भी कर सकें। तो अब इस तरह का एक फ्लफ़ी और बिग हेडेड ब्रश हमारे पास होना चाहिए। जब मैंने ब्रशेस में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था, तो तब मैं एक ऐसे ब्रश के साथ अपना सारा काम चला लेती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यानी कि यही जो ब्रश हुआ करता था वो मेरा ब्लश ब्रश हुआ करता था, इसी ब्रश को अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देती थी तो वो एंगल्ड ब्रॉन्जर ब्रश बन जाता था, अगर मैं चाहती तो इसी को थोड़ा सा साफ करके ये मेरा पाउडर ब्रश बन जाता था। तो अगर आप चाहें, अगर आप बजट पर थोड़ा लो हैं, या अगर आपको ज़्यादा अपनी मेकअप किट को एक्सपैंड करने का शौक़ नहीं है, तो आप एक ऐसे ब्रश के साथ भी काम चला सकते हैं। लेकिन फिर अगर एक ही ब्रश से काम चला रहे हैं, तो मेक श्योर कि इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी ब्रश, ठीक है? क्योंकि ये वाला तो खैर बहुत ही नेक्स्ट लेवल मज़े का है। अब मैंने जो आपको ब्लश ब्रश वाला हैक बता दिया, मुझे पता है उसके बाद आप शायद बाकी ब्रशेस को इतनी इंपॉर्टेंस ना दें, लेकिन तब भी इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ पाउडर ब्रश।
पाउडर ब्रश बेसिकली हमारे सारे ब्रशेस का डैडी होता है, यानी कि सबसे बड़ा ब्रश होता है और काफ़ी नेक्स्ट लेवल बड़ा होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर आप ब्लश ऑन ब्रश यूज़ करेंगे एक पाउडर ब्रश की जगह, तो ये होगा कि बहुत छोटा होता है वो, तो आपको बहुत देर लगेगी। इससे ये होता है कि आप आसानी से इसको पाउडर में डिप करें, पूरे फेस पे लगाएं, 2 मिनट्स एंड यू आर डन, एक्चुअली 2 सेकेंड्स एंड यू आर डन पाउडरिंग योर इंटायर फेस। तो इससे काम बहुत आसान हो जाता है। तो एक पाउडर ब्रश मेरे ओपिनियन में आपके पास होना चाहिए। अनदर मस्ट हैव ब्रश इज़ द हाइलाइटर ब्रश। हाइलाइटर ब्रशेस के ऊपर थोड़ी सी डिबेट है कि क्या ये मस्ट हैव्स में है या नहीं, क्योंकि हम हाइलाइटर अपनी फिंगर से भी लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ओपिनियन में आपके पास एक हाइलाइटर ब्रश, एक प्रॉपर ब्रश फॉर हाइलाइटिंग बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो हम अपनी फिंगर से हाइलाइट करते हैं अपने हाइलाइटिंग जोन्स को, वो एक्चुअल में बहुत पैची लगते हैं, यानी कि पता चलता है कि किसी ने एक लाइन खींची हुई है अपने ऊपर, अपनी नोज़ पे या अपने फेस के किसी भी हिस्से पे। जैसे कि अगर अभी आपको मेरी हाइलाइट दिख रही होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ठीक है थोड़ा सा ब्लेंडेड आउट है, तो वो जो रिज़ल्ट होता है एक ब्लोन आउट रिज़ल्ट वो एक ब्रश से ही आ सकता है। तो अब मेरे पास ये दोनों किस्म के हाइलाइटिंग ब्रशेज हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक हमारा जाना माना मॉर्फी का ब्रश है और दूसरा एक रैंडम से किसी पेज का अनब्रांडेड किसी पता नहीं कहाँ का कोई ब्रश है, बट दिस वर्क्स जस्ट एज वेल, मतलब ये भी वही काम करता है और इतना ही अच्छा करता है। आपका हाइलाइटिंग ब्रश ऑब्वियसली इससे पतला भी हो सकता है, इससे मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब फिर आपको हाइलाइट करने में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, वो लिटरली ब्लश ऑन ब्रश बन जाएगा एंड वी डोंट वांट दैट। अच्छा जी, तो ये हो गए हमारे मस्ट हैव ब्रशेज, यानी कि ये वो ब्रशेज हैं जो आपके पास होने ही होने चाहिए, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो बाकी मेकअप ब्रशेज हैं वो किसी काम के नहीं है, वो भी बहुत काम के होते हैं। लेकिन आई वुड रिकमेंड, अगर आप सिर्फ अभी सीख रहे हैं और आप बिगिनर हैं, तो आप इन बेसिक मस्ट हैव ब्रशेस से प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी मेकअप आता है थोड़ा बहुत और आपको पता है कि आपको अपनी मेकअप गेम को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, तो आप एक अच्छे ब्रश सेट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो ब्रशेस होते हैं सारी गेम होती ही उनकी है। यानी कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो और आपके पास बॉम तरीन ब्रशेज हों, यू नो कि आपका काम नेक्स्ट लेवल आला नज़र आएगा। मेकअप ब्रशेस की बात तो हो गई, अब हम जाने लगे हैं मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे, विच इज़ ग्लॉसिव्स फेवरेट्स। ग्लॉसिव्स फेवरेट्स एक ऐसा सेगमेंट है जिसके लिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अब मैं जिस मौजू के ऊपर बात किया करूँगी अब वो तो मैं एक समझा रही होती हूँ कि हमारे पास ये ब्रशेज होना चाहिए, ये मेकअप किट में आपके होना ज़रूरी है, लेकिन अब उन चीज़ों की ब्रांड रिकमेंडेशंस क्या हैं जो मैं आपको 120% रिकमेंड करती हूँ, वो होंगे ग्लॉसिव्स फेवरेट्स का पार्ट। तो लेट्स गो ऑन टू ग्लॉसिव्स फेवरेट्स। अब क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको हर बजट को ख्याल में रखते हुए प्रोडक्ट्स बताऊंगी, तो सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अगर आपको सबसे सस्ते ब्रशेस लेने और एक अच्छी क्वालिटी पे लेने, तो आप क्वालिटी तो उनकी ऑब्वियसली जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन जो सुपरमार्केट्स होते हैं वहाँ पर इंडिविजुअल रैक्स होते हैं, आप उधर जाकर देख सकते हैं कि आपको कौन से ब्रशेस चाहिए। तो दैट इज़ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव ऑप्शन जो आपको मेकअप ब्रशेज में मिल जाएगा। जब मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया तो तब मैंने सुपरमार्केट्स और सुपर स्टोर्स से ही ब्रशेस खरीदे, उसके बाद मैंने की थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और तब मैंने लिया मॉर्फी का ये वाला किट। लेकिन ऑब्वियसली मॉर्फी एक बाहर की कंपनी है और वो मैंने बाहर से ही शिप किए थे, उनके कस्टम चार्जेस भी डबल पे किए थे और शायद वो हर कोई ना कर पाए, इसलिए मैं अब आपको बताती हूँ इस तरह के ऑप्शंस जो कि बहुत इजीली पाकिस्तान में मिल जाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर हैं लेकिन फिर भी आपको अच्छे ब्रशेस चाहिए और एक सेट के अंदर चाहिए ताकि आपको इंडिविजुअली ना ख़रीदने पड़े, तो आई वुड रिकमेंड कि ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्रश सेट यूज़ करें, वो बहुत आसानी से यहाँ मिल भी जाता है और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब अगर आपका बजट थोड़ा सा मीडियम है और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लेवल लग्जूरियस सॉफ्ट किस्म के ब्रशेस में आप इन्वेस्ट करें, तब मैं आपको ब्यूटीफाई बाय आमना के प्रीमियम ब्रशेस रेकमेंड करूंगी। ये लिटरली मॉर्फी लेवल के ब्रशेस हैं, जब से मेरे पास आए हैं तब से ये मेरे मॉर्फी के ब्रशेस के साथ ही पड़े हुए होते हैं और उन्हीं के साथ इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इनकी क्वालिटी उस लेवल पर है। अब आपका बजट अगर काफ़ी हाई है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मॉर्फी के जैकलिन हिल ब्रशेस में इन्वेस्ट करें। मैंने भी उसके आई थिंक 6 से 7 ब्रशेस लिए होंगे, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स में भी मिलते हैं एंड दे आर माय एवरीडे यूजेज के ब्रशेस नाउ।
तो ब्रशेस के मामले में ये थे ग्लॉसिप्स फेवरेट्स। नाउ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको मज़ा आया हो, और अगर आया हो तो प्लीज़ 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 गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड आई विल कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।